How dare you? Yes, I dare. Because I care for my sister. क्या गलती की थी मेरी दी ने? दूसरा परिवार की भलाई ही चाहती थी ना? और आपने क्या किया? उन्हें इतना सुनाया, उनकी इंसल्ट की, उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। वो मिडिल क्लास मेनिया आपके सिर पे घूमता रहता है ना? बातों के दिन चला चला कर मेरे दी को गलत साबित कर दिया पूरे परिवार के सामने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब मेरे दी को किसी का भी विश्वास जीतने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दी ने साबित कर दिया कि वो कितनी महान है। और आप लोग अब से कुछ भी सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दिल तो आइसक्रीम जैसा ठंडा ठंडा हो गया। एनीवेज, ये रहे आपके बिल्स, इन पर साइन कर दीजिए। और वैसे भी आधे से ज्यादा खर्चा मैंने अपनी जेब से और कंपनी के जेब से किया है, और आधी चीजें मैंने उधार पे उठाई हैं। अब जिनसे उधार से लिया है उन्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब जब आप बिल पे साइन करोगे तब मुझे और कंपनी को पेमेंट मिलेगी और हम जाके आगे पे कर पाएंगे। तो प्लीज साइन कर दीजिए। एक मिनट, पेन देती हूँ। वन सेकेंड, ये किस टाइप के बिल्स हैं? हाँ, मार्केट से डबल प्राइस लगाया तुमने क्या? मैं इन बिल्स पे साइन नहीं करूंगी। पहले मार्केट से रेट पता करूंगी, उसके बाद इन बिल्स पे साइन करूंगी। और अगर ये बिल्स गलत हुए ना तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। एंड आई होप तुम्हारे पास उतने पैसे हों कि कुछ दिनों तक तुम अपना खर्चा चला सको। कैसी है ना करीना मैम, आप मतलब सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो यार। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या कहा। आधे से ज्यादा खर्चा मैंने अपनी जेब से और कंपनी की जेब से किया है, और आधी चीजें मैंने उधार पे मंगाई है। अब जिनसे उधार से मंगाई है उन्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वरना उन लोगों को चीजें लौटानी पड़ेगी मैम। रियली? तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो खाना हम खा चुके हैं तुम वो लौटा दोगी उन्हें, राइट? नहीं मैम, खाने की पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन वो जो कृतिका का हल्दी का और मेहंदी का आउटफिट नहीं था, वो मैंने डिजाइनर से उधार में मंगाए थे। अब अगर उन्हें पेमेंट नहीं दी गई तो अफसोस, दोनों के दोनों आउटफिट उन्हें वापस करने पड़ेंगे। आप सोच लीजिए क्या करना है, मैं पेन यहीं रख के जाती हूँ। क्या वो सच में ऐसा करेगी या फिर मुझे स्ट्रेस देने के लिए ऐसा बोल रही है? नहीं नहीं, वो बस मुझे परेशान कर रही है। आखिर है तो प्रीता की बहन, मुझसे बदला लेने के लिए प्रीतिका का दिल नहीं दुखाएगी वो, परेशान तो मैं उसे करूंगी। अगर उसने सच में ऐसा किया तो लीजिए पानी लीजिए बेटा, पानी लेंगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग। थैंक यू सरला जी। सच कहूं तो आज हम यहाँ किसी खास वजह से आए हैं। अरे मतलब बहन जी, अपने दिल की गहराइयों से कह रही हूँ, आज हम लूथराज हजार बार भी आपके सामने सर झुका के माफी मांगे ना तो काफी नहीं होगा। प्रीता ने जो कुछ भी मेरे लिए मेरे परिवार के लिए किया है उस लड़की ने एक मिसाल कायम कर दी है। वो लड़की बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधे पुलिस स्टेशन गई और अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया, ये जानते हुए भी कि उसे ये जुर्म के लिए 7 साल की कैद हो सकती थी, उसका जीवन खराब हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस लड़की ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, वो भी मेरे करण के लिए, ताकि मेरा करण बेदाग होकर बाहर निकले, उसका करियर खराब ना, उसका फ्यूचर खराब ना। जी, अरे आप सच में एक बहुत महान माँ है जो ऐसी महान बेटी को जन्म दिया आपने। आपसे झूठ नहीं कहूंगी, कुछ वक्त के लिए तो हमने भी प्रीता को गलत समझ लिया था, उसे कसूरवार मान लिया था। वो कहते हैं ना कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, मतलबी होते हैं। सच कहते हैं, अमीर लोग घमंडी होते हैं, मतलबी होते हैं, इसलिए तो हमने प्रीता को दोष दिया, उसका अपमान किया। पर जबकि वो लड़की एक फरिश्ता बन के हमारी जिंदगी में आई थी, मेरे करण को बचा लिया उसने, हमारे परिवार को बचा लिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे मत बोलिए, लोग कहते होंगे कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, मतलबी होते हैं, लेकिन कि ना आप बिल्कुल ऐसी नहीं, ना आप ऐसी हैं, ना आपके दोनों बेटे ऐसे हैं। और आप तो मेरी दोनों बच्चों से कितना प्यार करती हैं, उन्हें कितना मान देती हैं, आपके बच्चे मुझे कितनी इज्जत देते, तो मतलबी तो मैं हो गई। मतलब अब आप ही बताइए, अपनी बच्ची के लिए कैसे खड़ी ना होती उसके साथ। उसने बेवकूफ़ी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगी।
मतलब ही तो मैं हुई ना। राखी जी, ये जो हमारी सरला है ना, इसकी ममता जरा अलग किस्म की। ये अपने बच्चों पर यकीन करती है, लेकिन उन्हें सजा देने से नहीं रुकती। सजा देने के वक्त एकदम हिटलर हो जाती है और जो मुंह में आता सुनाती। आई होप आपने प्रीता को सॉरी बोल दिया होगा, आपने खमखाओं से इतना डांट दिया था। बेटा, माँ और बच्चों में सॉरी भरी नहीं होता। अगर माँ बच्चों को डांटती है ना, तो उसके पीछे भी उनकी भलाई होती है। उनकी भलाई के लिए डांटती है। इसलिए अगर मैंने प्रीता को डांट दिया तो वैसे मैंने सॉरी बोल दिया है, लेकिन डांटती क्यों? आप ही तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। आप वहां जेल में थे सिर्फ उसकी बेवकूफी की वजह से, तो डांट तो बनती थी। लेकिन मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप चाहे मैं जितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं, आप उसे डांटेंगे नहीं। मतलब आप फिर से मुसीबत में पड़ोगे? नो नो, मेरा कुछ और मतलब तो कहने का। आई एम सॉरी। अब बच्चों की बेवकूफी की वजह से ना हमारी एकदम जान ही चली जाएगी। करण पुत्र, अब संभाल के रहियो, तुम्हारी दो दो माए हैं, अब दोनों कान खींचेंगी तेरा। हाय रब्बा, इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? एक माँ है और दूसरी सासू माँ। सच में, वैसे तो ये आपका घर है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यहाँ आना सोचा? मतलब आप फोन पे भी तो बात कर सकते थे। कैसी बातें कर रही है सरला जी? जब प्रीता मेरे बेटे के लिए जेल तक जा सकती है, तो क्या मैं आपके घर नहीं आ सकती? और फिर मेरी ये दो दो मुश्तंडी है ना मुझे लाने के लिए। सच कहूं तो बहुत अच्छे बेटे हैं आपके। भगवान इन्हें खूब तरक्की दे, हमेशा खुश रखे, और कोई भी मुसीबत इन दोनों को कभी छुए भी ना। मुझे प्रीता से मिलना है। वो मैसेज से थैंक यू बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मिल के थैंक यू बोल देता हूँ। उसने इतना कुछ किया मेरे लिए, मेरा करियर बर्बाद होने से भी बचाया। हाँ पुत्र, वो अभी भी किचन में ही है, जा। मैं मिलकर आता हूँ। रिशा, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़े चुप चुप से हो। नहीं, मैं तो मॉम की और सरला जी की बातों में खो गया था। समोसे बनाने मैदे का डब्बा कहाँ रखा है? वो ये जरूर सृष्टि ने रखा होगा। सारी चीजें उठा के ना अपने हिसाब से इतनी ऊंचाई पे रख देती है। अब मेरा हाथ मोटेगा भी नहीं इस पे। कब ये डब्बा नीचे उतरेगा, कब समोसे बनेंगे? तुम? Yes baby doll, मैं तुम्हारा करण रुद्रा, always at your service। चलो आटो, मैं उतार देता हूँ डब्बा, okay? तो तुमसे हो जाएगा? Course. तुम ट्राई कर लो, देखते तुमसे होता है कि नहीं। देखो, अगर कोई स्टूल वूल लगे तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। एक्सक्यूज मी, आई एम दी करण लूथरा, ओके, दी ग्रेट करण लूथरा। मुझे ये स्टूल सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, ओके? ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, यू नो, लेफ्ट हैंड। अभी देखो, ये पकड़ में आया, ये अभी आया, दोनों हाथ ही लगा देता हूँ। एक्चुअली आ तो जाएगा। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रे हमारे। क्या कर लिया तुमने? क्या हालत बना ली है? सारा का सारा मेरा गिरा दिया, अब तुम्हारा समोसा। यार तुम्हें चुप कर जाओ यार, अभी हंसना बंद करो, ओके? ऐसी शक्ल कोई भी नहीं देखेगा तुम्हारी। ओह, और अगर मैं झप्पी पालूंगा तो तुम्हारा भी हाल वही हो जाएगा। फिर मुझे भी गुस्सा आएगा ना कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, राइट? अब मैं तुम्हारे झप्पी पाऊंगा, तुम्हारा वही हाल कर दूंगा बिल्कुल, और समोसी बना दूंगा तुम्हारा। ऐसे चुप कर जाओ, ओके? ओके फाइन। सब हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया मेरा, सब सेटिंग बिगाड़ दिया इस साल की। यार मैं तुम्हारी बात पे हाँ कह रही थी कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बिगड़ गया है। जब तुम्हारा हेयर स्टाइल एकदम ठीक होता है ना, प्रिम एंड प्रॉपर, तो तुम पता कैसे लगते हो?
एल्विस प्रेसली की तरह। काफी लोगों ने कहा मुझे ऐसा, है ना? काफी बार सोचा इस बारे में मैंने। मेरे बारे में? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बालों के बारे में। और वैसे भी पता, अब 26 जनवरी आ रहा है, तो लोग अपने घर के बाहर, अपने घर की छत पे, सोसाइटी वाले अपने गार्डन में झंडा गाड़ते हैं। तुम्हारे लिए कितना इजी है, तुम एक झंडा लेकर आओ और अपने बालों में गाड़ दो। तेरी काली यकीनों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार। वाओ प्रीता अरोड़ा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल चिट्टी, एकदम वाइट। एक काम करता हूँ, तुम्हारी फोटो भी खींच लेता हूँ, मिस इंडिया वाली, और उस फोटो को ना 26 जनवरी पे अपनी शर्ट पे पिनअप भी कर लूंगा, कैसा रहेगा? और हाँ, तुम्हारा समोसा नहीं, तुम्हारी समोसी भी बना देता हूँ, वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल खूबसूरत लगे, बिल्कुल ऐसी। ये क्या किया तुमने? तुम पर आटा गिरा था, तुम्हारी गलती थी। ये मुझ पर तुमने जानबूझकर फेंक दिया। किसी और के किचन में आकर इतनी बदतमीजी कोई करता है? हाँ तो तुमने भी मेरे पर हंसने की बदतमीजी की थी ना, अपने मेहमान के ऊपर। बिल्कुल मैनर्स नहीं है तुम्हें। सब है मुझे, मैनर्स भी है, एटिकेट्स भी है, लेकिन तुम्हारे लिए जीरो, कुछ नहीं है। हाय हाय मिस करेली, कितनी क्यूट लग रही है। एक काम करता हूँ, तुम्हारी फोटो खींच लेता हूँ, बिल्कुल बंद रहिएगा टाइम, और एनिमल वर्ल्ड को भेज देता हूँ, कैसा रहेगा? अच्छा, इजी बेबी डॉल, इजी। तो एक काम करो, पानी पी लो, पानी, ये लो पानी पी लो। पागल हो गया? तेल हो? हाँ तो तेल ले लो, तेल। अब ये मत करना। देखो मेरे पास इतना, मैं तुम्हारा वो हल करूंगी। क्या रहा है ये, क्या चल रहा है? ये भाई देखना इसको यार, मैं यहाँ पे आया था इसको थैंक्स बोलने, घर से, तुझे याद है ना, मैं यहाँ पे थैंक्स बोलने आया इसको। मैं आटे का डिब्बा ऊपर पड़ा था, उतार नहीं पा रही थी, मैंने इसकी हेल्प करना चाहिए, वो आटा मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर हंस रही थी यार, मुझे बंदर बुला रही थी, कहती है 26 जनवरी को झंडे गाड़ देंगे मेरे बाल में, पता नहीं कुछ सी अभी भी हंस रही है। देख प्रीता जी, आप मतलब ये तो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करता रहता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप ऐसा कुछ करेंगी। ऋषभ जी, मैंने कुछ नहीं किया, इसी की गलती है सारी। मैंने कितनी बार बोला रुको रुको ऐसा मत करो, लेकिन आप सोच सकते, इसकी ही गलती है, आपको पता है ना। और तू चल मेरे साथ अंदर। सब तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से। देख क्या था कुछ महीनों पहले, तो रात को रुक गया था, उसके कपड़े पड़े हुए, पता नहीं जाए जाएगा कि, लेकिन काम चल जाएगा। मैं सलवार सूट ही पहनूंगा। अच्छा लगोगे? नहीं, मैं तुम्हें सलवार सूट नहीं दूंगी।
फ्री था, तेरे कपड़े भी यही है, तू जाके बदल ले और मैं जानकी को बोलती हूँ रसोई ठीक कर दी। चलो अरे यार ये कृतिका तो कितनी अच्छी लड़की है, कैसे मांगू मैं उससे सारे ड्रेसेस यार, उसे कितना बुरा लगेगा, मुझे इतना अजीब लगेगा उससे मांगने में, लेकिन क्या करूं, उसकी माँ जो इतनी खड़ूस है उन्हें सबक सिखाने के लिए करना तो पड़ेगा। मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन प्लीज तुम बुरा मत मानना। क्या बोलना? मुझे ना तुम्हारी वो हल्दी और मेहंदी फंक्शन वाली आउटफिट्स चाहिए, ड्रेसेस चाहिए। वो लोहड़ी का फंक्शन आ रहा है ना, तो इसके लिए क्या है ना, मुझे तुम्हारे सारे ड्रेसेस चेक करने हैं ताकि कोई डिजाइन या कोई पैटर्न रिपीट ना हो। और जहाँ से हम तुम्हारे आउटफिट्स बनाते हैं ना, हमारे जो डिजाइनर है उनके मास्टर जी भी चेंज हो गए, तो उन्हें भी दिखाना पड़ेगा ना। ओके मैं काम करती हूँ, एक मिनट रुक, लेके आती हूँ। कि तुम्हारे आउटफिट्स कितने एक्सपेंसिव है, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि करीना मैम ड्रेसेस में पैसे ज्यादा लगाना चाहती है। तुमसे ज्यादा करीना मैम को पैसा प्यारा है। What? No, I swear, मतलब no. सृष्टि, दे दो, दे दो, ये मुझे दे दो, ये एक मिनट। ये रहे तुम्हारे बिल्स, मैंने साइन कर दिया है, सेम प्राइस है जो तुमने कोट की थी, एंड योर पेन। थैंक यू। ये मेरी बेटी के कपड़े, कृतिका लव्स देम, और कृतिका करीना लूथरा की बेटी है, जिस भी चीज पे हाथ रखेगी ना वो उसे मिल जाएगा। वैसे मैं ये बिल्स पे साइन कभी नहीं करती अगर बात मेरी बेटी की नहीं होती तो। I got it, ma'am. मम्मा, आपने सृष्टि को डांट क्यों दिया? ये बेचारी मेरे कपड़े वापस लेने नहीं आई थी, वो तो इसकी टीम में एक नया टेलर आया है, तो ये नहीं चाहती कि मेरे कोई ड्रेस रिपीट हो जाए, तो बस डिजाइन्स दिखाने के लिए लेके जा रही थी और खामखा डांट दिया आपने। ओह माय गॉड, मुझसे पैसे उगलवाने की ये सृष्टि की चाल थी। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, लेकिन आज तो मैंने आपके नहले पर दहला मार दिया करीना मैम। क्या था ये सृष्टि? कुछ नहीं यार, लेकिन आई स्वेयर तूने ना मेरी सबसे बड़ी मदद की है आज, सीरियसली। कैसे? वो क्या है ना करीना मैम, इन बिल्स पे साइन ही नहीं कर रही थी, कह रही थी कि मैंने डबल चार्ज किया है, जब कैसे कुछ नहीं है, तुम देख सकती हो सारे बिल्स जेन्युइन है। एक्चुअली तुम्हारी मम्मा ना मुझे पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मुझे परेशान करती रहती है, तो इसलिए मैंने उनको झूठ बोला। मैंने उनसे कहा कि मैंने आधी चीजें उधार पे मंगाई है, स्पेशली तुम्हारे ड्रेसेस, और मैंने कहा कि अगर उन्हें उधार नहीं पे किया गया तो तुम्हारे ड्रेसेस वापस करने पड़ेंगे। तू क्यों चुप रहा है? तू छोटा है, तेरे ऊपर ये सब जचता है, जा तू जा। जा, जा, जा। तो क्या करूं यार, आम दी करण लूथरा मेरी एक इमेज है, ओके, इतने फैंस मेरे, सब लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तू भी चल। चलो चलो चलो, जाओ पीजी का कमरा उधर है, जाके कपड़े बदलो, जाओ। तू क्या देखकर मुस्कुरा रही है? मेरा कमरा भी वहीं पर है, जा जाके कपड़े बदल ले, जा 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 जा।
लोग आटे से उंगली के रहे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो। हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। हमारे दोनों दुश्मन बर्बाद होते होते बचकर हम जीती हुई बाजी भी हार गए। हम लोग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि पृथ्वी ने उन्हें जीतने दिया है। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब उस करण की जीत हुई है और वह अरोरा हाउस में प्रीता के घर वाले खुशियां मना रहे हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। सिर्फ चाल हारा हूं, बाजी नहीं हारा हूं। मैंने अब तक हार नहीं मानी है। तुम देखना, मैं ना ऐसा कुछ प्लान करूंगा ना कि उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। उन लोगों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। You just wait and watch. मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने सोचा है कि तुम क्या करोगे?